बिहार की 243 सीटों के लिए ताजा यहां पर आंकड़े आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन टूटने के बाद क्या है जनता का मन, बिहार की सभी 243 सीटों के लिए सबसे बड़ा ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, सभी को लेकर बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है। और एनडीए गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि एलजेपी जो है वो अब अलग हो रही है एनडीए से, ये बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर जो है सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन में साफ तौर पर एलजेपी जो है सहमत नजर नहीं आ रही है। तो एनडीए से अलग होने की राह पर है एलजेपी, ये बड़ी खबर है। और नीतीश कुमार की जो योजना है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए एलजेपी ने, यह बड़ी खबर है। साफ तौर पर एनडीए से अलग हो चुकी है अब यहां पर एलजेपी, और एलजेपी ने जो है कम से कम 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कल कर सकती है, बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और अब एनडीए से अलग होने के बाद जनता का मन क्या है और क्या होने वाला है बिहार की सभी 243 सीटों के लिए, इससे पहले जो यहां पर सीट बंटवारे की बात हो रही थी, जिनमें यहां पर बात करें तो 121 बीजेपी को, उसमें एलजेपी को यहां पर अलग से सीट देनी थी, लेकिन बीजेपी भी ज्यादा सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है और यहां पर जेडीयू भी यहां पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। एलजेपी को कम से कम यहां पर 40 से 50 सीटों की मांग थी, लेकिन इस बार बात बनी नहीं। तो क्या बिहार में एनडीए की सरकार बन पाएगी या नहीं, इस पर क्या कहता है जनता का मन, क्या होने वाला बिहार की सभी 243 सीटों में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और सटीक जानकारी आपको बिहार की सभी 243 सीटों के लिए ताजा रुझान जो निकल कर आ रहे हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले बिहार के लिए 2020 के लिए क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी आपको यहां पर, अगर बात करें तो 3 चरणों में मतदान होने वाला है। पहले के लिए अगर बात करें 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, और दूसरे चरण की अगर बात करें तो 3 नवंबर को यहां पर होने वाला है और 94 सीटों पर यहां पर होगा, और तीसरे चरण की बात करें तो 7 नवंबर को 78 सीटों पर यहां पर चुनाव होगा और नतीजे 10 नवंबर को सामने आ जाएंगे। और यहां पर जो है पहले चरण के लिए यहां पर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक महागठबंधन हो गठबंधन हो इनकी तरफ से अभी तक नामों का अनाउंस नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, 135 से 140 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी, बड़ी खबर है। कांग्रेस के खाते में 65 से 70 सीटों पर सहमति बन चुकी है, तो 20 से 24 सीटें लेफ्ट और अन्य को यहां पर देने की जो है बात यहां पर सामने निकल के सामने आ चुकी है। ये बिहार के लिए बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। आखिर बिहार के लिए क्या कुछ आंकड़े ताजा जो सट्टा बाजार के रुझान है उसके आधार पर बीजेपी को 60 सीटें मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर बीजेपी यहां पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव की तैयारियों के आधार पर क्योंकि एलजेपी अलग हो चुकी है इसके साथ ही बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी को 60 सीट मिलने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार के रुझान लगा रहे हैं। और सट्टा बाजार रुझान के अनुसार 55 सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती है इन 243 सीटों के लिए, सबसे बड़ा सर्वे यहां पर आ रहा है। सट्टा बाजार रुझान के अनुसार 21 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं, ये बड़ी खबर है। और 83 सीटें यहां पर अगर बात करें तो आरजेडी के खाते में जा रही हैं, यानी आरजेडी और कांग्रेस जो है और अन्य जो उनके समर्थक पार्टी हैं उनको मिला लिया जाए तो फिर यहां पर आरजेडी की सरकार बनती नजर आ रही है, ये बड़ी खबर है। और अन्य की अगर बात करें तो अन्य में जो भी दल बच जाते हैं गठबंधन की बात करें यहां पर महागठबंधन के, उनके लिए 24 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं, सबसे ज्यादा सीटें यहां पर एलजेपी के खाते में जा सकती हैं। इसमें एआईएम पार्टी की बात करें या फिर यहां पर मुकेश सहनी की भी बात करें या फिर जो भी अन्य पार्टियां उन सभी को अगर मिलाया जाए तो 24 सीटें अन्य के खाते में सट्टा बाजार के रुझान के अनुसार जा सकती है, इनमें एलजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। अब अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के अनुसार क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, तो एनडीए के खाते में जो बड़े अक्सर लोग ने आंकड़े रखे हैं 113 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, लेकिन एबीपीसी वोटर के अनुसार एनडीए को 165 से 170 सीटें दिखाई गई थी। और यहां पर अगर बात करें तो महागठबंधन को 130 सीट यहां पर बड़े एक्सपर्ट लोग के आंकड़ों के आधार पर मिलने का यहां पर अनुमान दिखाया गया, जबकि एबीपीसी वोटर के अनुसार 65 से 70 सीट तक ही महागठबंधन पहुंचने तक यहां पर जो आंकड़े दिखाए गए हैं। तो दोस्तों बिहार की सभी 243 सीटों के लिए आपको सटीक जानकारी दी है, फिर भी आपको बता दें कि फाइनल रिजल्ट आपको 10 नवंबर के बाद ही देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है बिहार के लिए क्या तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री या फिर यहां पर नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी बड़ा खेल कर पाएगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और आने वाली सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।